फैमिली कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए, तो बस अपने रेगुलर जो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। और चलिए मिलते हैं कबीर से। कबीर बोलो समथिंग। क्या बोलोगे? हेलो तो बोलो। हेलो हेलो ऐसे बोलोगे? कबीर गुस्सा हो गया क्योंकि इसको मैंने मोबाइल नहीं दिया। कबीर अपना हेयर कट तो दिखा दो। कबीर का ना कल संडे के दिन हेयर कट भी होके आ गया है ना। देखो 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 पीछे से दिखाओ। कबीर तो स्मार्ट लग रहा है और थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लग रहा है। और ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं खाया? झूठ क्यों बोल रहे हो? किसका पराठा खाया? आलू का। हाँ जी, तो मैंने कबीर के लिए बनाया था आलू का पराठा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज अगेन मैं बना रही थी ब्रेड ऑमलेट, और साथ में कबीर मेरी हेल्प कर रहा है रिकॉर्डिंग करने में। तो हालांकि कबीर को काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है अब, और ही नोज़ कि हाउ टू रिकॉर्ड और किस एंगल से रिकॉर्डिंग करनी है। एनीवेज़ मैं कभी कभी कबीर के पापा को बोलती हूँ कि आप रिकॉर्ड कर दो, तो वो भी इतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं कंपैरेटिवली कबीर। तो कबीर ज़्यादा अब इन मामले में होशियार हो गया है। और देखिए यहाँ पर बन रहा है ऑमलेट, और साथ में मैंने यहाँ पे दो ब्रेड रोस्ट करके रखे हुए हैं। तो कबीर तो पहले ही खा चुका है ब्रेकफास्ट, अब बस ब्रेड बनाती हूँ विद द ब्रेड, और या फिर मैं रेगुलर अपना पोहा बनाती हूँ। तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और मुझे ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं आता, बिकॉज मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती लाइक पराठा और रोटी। रेगुलरली एग्स नहीं खा पाती थी, बट नाउ अ डेज मैं रेगुलरली एग्स खा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं किड्स के लिए स्पेशली और लेडीज़ के लिए। तो आप सबको भी खाना चाहिए, और अगर आप नहीं खाते हो तो इसकी जगह पे आपको नट्स खाने चाहिए, फ्लैक्स सीड खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना प्रोटीन की डेली की वो फुलफिल कर देता है, साथ में इसमें बायोटिन भी होता है, तो इट्स गुड। एनीवेज ज्ञान बहुत सारा हो गया। अब मैं जस्ट अपना ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी। और देखिए एग बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। एक साथ दो काम करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज कैमरा हैंडल करना प्लस काम करना। चाय मेरी बन गई है, एंड नाउ मैं इस ऑमलेट को थोड़ा सा और क्रिस्पी करूँगी, देन मैं इसे निकालूंगी। तो आप चाहो तो बेसन का चीला भी खा सकते हो सब्स्टिट्यूट ऑमलेट का। तो जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। तो बस अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट, और एज यूजुअल देखिए मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो गया है तैयार। हाँ एज़ यूज़ुअल मेरे डेली के काम हो रहे हैं, साथ में मैं कबीर को करवा रही हूँ स्टडी, बिकॉज कबीर के आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं दो दिन पहले ये वेजिटेबल्स लाई थी, और मैंने अभी तक सारी वेजिटेबल्स साफ़ नहीं की हैं, बिकॉज़ कुछ ना कुछ काम आ जाता है, और मुझे सबसे बड़ा काम लगता है कि वेजिटेबल्स कुछ साफ़ करके रखना, सेग्रीगेट करके रखना। तो एनीवेज़ मैंने ना जो धोने वाले वेजिटेबल्स थे वो सारे वॉश करके रख दिए थे, मगर जैसे पालक हो गया, मटर हो गई, इनको कुछ अमाउंट ही जितना कि मुझे रिक्वायरमेंट होती थी, तो मैं इसको साफ़ करके रख लेती हूँ। बट आज मैंने सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं आज इनका काम फिनिश करके ही छोड़ूंगी, बिकॉज़ ये ना रखे रखे फ्रिज में गल जाते हैं और समटाइम्स ख़राब भी हो जाते हैं और ऐसे ही फिक जाते हैं। तो बेटर है कि आज साफ़ कर लूँ मैं। तो हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मटर साफ़ कर रही हूँ, और देखिए मैंने कितनी सारी मटर पील की हैं। तो आई थॉट टू मेक मटर पुलाव, तो उसके लिए मैंने देखिए वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं, एंड साथ में मैंने भिगो के रखे हैं राइस, और साथ में मैंने निकाला है दही। तो अभी मैं जल्दी से मटर पुलाव बनाऊँगी एंड साथ में बनाऊँगी दही का रायता। तो बस मिलते हैं आपसे आफ्टर मेकिंग इट। तो देखिए यहाँ वेजिटेबल्स पक रही हैं पुलाव के लिए, तो मैंने इसमें जस्ट आलू, मटर, टमाटर, प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर डाला है।
और साथ में ग्रीन चिलीज है। तो देखिए बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, देन आई विल ऐड बॉयलिंग वाटर और राइस ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे तैयार हो रहा है। कबीर आज क्या तैयार कर रहे हो आप, क्या बना रहे हो? दही का रायता। तो दिखाओ, देखो कबीर ने ना सारे मसाले डाले हैं इसमें। क्या क्या डाला है आपने बताओ तो? लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और ब्लैक पेपर। सॉल्ट भी डाला है ना? इसमें अब मिक्स करना है। हाँ मिक्स करो। यहाँ कबीर की आज जिद थी कि मैं बनाऊंगा रायता और आप करोगे रिकॉर्डिंग, तो मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग और ही इज़ मेकिंग रायता। तो मैंने सारी सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं, लाइक प्याज, टमाटर और खीरा। तो आज मैं इसी का रायता बनाने वाली थी अपने लिए, और कबीर को तो कर्ड ऐसे ही पसंद है, लाइक ही डोंट वांट टू ईट एज अ रायता, तो बस वो प्लेन कर्ड ही खाता है। तो वो मुझसे कह रहा था कि आप ना अपने लिए रायता बना लो और मेरे लिए सेपरेट प्लेन वाला निकाल के रख दो। तो यहाँ एक प्लेन रायता रखा हुआ है और एक वेजिटेबल रायता है। टेस्ट करके बताओ ज़्यादा कौन सा अच्छा है। अच्छा है आपका? ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, आप अपना प्लेन वाला खाना और मम्मा खाएगी अपना। देखिए कबीर का पुलाव एंड रायता। कबीर खा के तो बताओ कैसा है। इतना छोटा बाइट अच्छा है। आपको पसंद आया? थोड़ा ठंडा हो जाने देना। ओके okay? तो देखिए एवरीवन, ये बन के रेडी हो गया है पुलाव। और ये देखिए मैंने कबीर को निकाल के दे दिया है एंड अब मैं खाऊंगी। वॉश कर रही हूँ प्लांट्स। तो ये मैंने घर में इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनको मैं वॉश कर रही थी। एक्चुअली इसको हर हफ्ते या फिर विद इन 15 डेज आपको वॉश कर दो तो ये काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं, और इसके अंदर जो भी, इसके ऊपर जो भी डस्ट होती है वो भी हट जाती है। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, विद इन 15 डेज इसको अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। जो भी प्लांट्स मड में है तो उनको थोड़ा थोड़ा सा फॉक से निकाल के मिट्टी उसके ऊपर कर देती हूँ एंड देन मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको रख देती हूँ। ये जो प्लांट है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक हम लोग 2 मंथ्स के लिए बाहर गए हुए थे और सारे प्लांट्स हमारे सूख गए थे, बट ये प्लांट्स काफ़ी अच्छे चल गए और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और रही बात मनी प्लांट की, तो मैं इनको वाटर में लगाया हुआ है घर के अंदर, और बाहर तो मैंने इसको एज़ यूजल पॉट्स में लगाया हुआ है, घर के अंदर मैंने वाटर में लगाया हुआ। तो वाटर में लगाने के लिए भी इसको विद इन 15 डेज आप अगर वाटर चेंज करते रहोगे और प्रॉपरली वॉश करोगे तो ये काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। तो प्लांट्स चाहे आप इंडोर लगाओ या आउटडोर, लेकिन केयर तो आपको करनी ही पड़ती है। तो एज़ यू कैन सी कि ये पॉट्स हैं या बॉटल्स हैं, तो ये सारे मैंने ही पेंट किए हुए हैं और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इन सब कामों में, बट मेरे पास अब टाइम नहीं होता है कि मैं ये सारे काम कर पाऊँ। पहले मेरे पास टाइम होता था तो मैं यही टाइम निकालती थी अपने पॉट्स को और बॉटल्स को पेंट करती थी, डेकोरेट करती थी। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स को वॉश करने के बाद मैं उनको उनकी जगह पे वापस से रख रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि हर एक कॉर्नर प्लांट्स लगने के बाद काफ़ी अलाइव लगता है। तो मेरे पास किचन में सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं बिकॉज़ मैं सबसे ज़्यादा टाइम वहीं स्पेंड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है मेरे अराउंड ग्रीनरी हो। तो मैंने हालांकि ड्राइंग रूम में और बेडरूम में भी कुछ प्लांट्स रख रखे हैं, बट मुझे किचन में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में कहाँ प्लांट्स रखते हैं। और एनीवेज़ मेरे पास एक बड़ा सा मनी प्लांट भी है जो इनडोर मैंने रखा हुआ है, बट अभी पता नहीं क्यों उसकी सारी लीव्स निकल गई हैं।
तो एनीवेज़ ये पतझड़ का सीज़न है तो मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट। और देखिए ये मैंने यहाँ पे मनी प्लांट के साथ में ये अपना दूसरा प्लांट भी रखा हुआ है, आई डोंट नो इसका क्या नाम है। अगर आप लोगों को पता है कि इस छोटे से प्लांट का क्या नाम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये वाला कॉर्नर किचन का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए आज कबीर क्या खा रहा है, रोस्टेड चिकन। आपको बहुत पसंद है हाँ। तो आज कबीर के लिए आया है रोस्टेड चिकन। और कबीर इतना चिकन अकेले खा जाओगे? नहीं। किसके साथ खाओगे? मम्मा के साथ। और पापा को नहीं दोगे? पापा को नहीं देंगे, थोड़ा सा दोगे। और आज किस खुशी में आपको रोस्टेड चिकन खाना है? इतने दिनों से बीमार थे। इतने दिनों से बीमार थे तो आज कबीर पार्टी करेगा। और कबीर के लिए और क्या आया है पता है आपको? हाँ। बताओ प्राइस। चलो अभी ओपन करेंगे ना तब दिखाएंगे सबको। तो एज यू कैन सी आज कबीर ने मंगाई है अपने लिए बिरयानी। तो बिरयानी एक्चुअली उसने अपने लिए मंगाई थी मगर उसे एज अ बोनस चिकन तंदूरी भी मिल गया क्योंकि उसके पापा को लगा कि उसके लिए कुछ और भी लेके आ जाए। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अपना डिनर। तो आज मैंने बनाया है पालक एंड आलू की सब्जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आज मैं बना रही हूँ और आप लोगों के साथ इसलिए मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी वेजीज चॉप करके रखी हुई थी और साथ में आलू एंड पालक भी काटे हुए हैं। तो यहाँ मैं ऑयल को गरम कर लिया है, मैंने बनाया है मस्टर्ड ऑयल में। तो ऑयल को गरम करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड गार्लिक एंड देन अनियन। और इसको अनियन को जब तक कि हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये अनियंस थोड़े से हल्के ब्राउन ना हो जाएं। और जब ये अनियंस ब्राउन हो जाएंगे तो आफ्टर दैट विल ऐड द रेड चिली जो कि साबुत वाली रेड चिली होती है तो उसको मैंने ऐड किया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू और आलूओं को मैंने बिग साइज़ में काटा है बिकॉज़ ये ना पालक के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आलू को मैं फ्राई करने के लिए इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और ये एक ट्रिक होती है जिससे आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। सॉल्ट के साथ थोड़ी देर बाद मैं ऐड करूँगी टर्मरिक ऑल्सो। तो टर्मरिक और सॉल्ट ऐड करने के बाद आलू काफ़ी अच्छे तरीके से विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर पक जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ऐड कर दी है टर्मरिक और अब मैं इसको ना थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी। तो ढकने से ये काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे, लाइक हाफ कुक हो जाएंगे। देन हमें पालक ऐड करनी है और इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़। तो टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़ मैंने इसलिए थोड़ा देर बाद ऐड किया है बिकॉज़ अगर टमाटो डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये आलूओं को पकने नहीं देता है। तो बस अब मैंने टमाटो ऐड किया है और सारे अदर मसाले भी साथ में ऐड कर रही हूँ लाइक रेड चिली, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं एंड अगेन मैं इसको ढक के पकाऊँगी अराउंड 2 to 3 मिनट्स एंड देन मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। तो आप लोग देखिए रेसिपी और इन्जॉय कीजिए एज वेल एज़ बना के ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप इस तरीके से पालक बनाएंगे ना तो आपको ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। और जो लोग आलू पालक का टेस्ट पसंद नहीं करते, बेसिकली जो लोग पालक नहीं खाते हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए बेसिकली पालक की सब्जी बनके हो गई है रेडी और इसका सारा वाटर देखिए ऑलमोस्ट सूख चुका है और ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। तो और साथ में मैंने बनाए थे आलू के पराठे, स्पेशली कबीर के लिए बनाए गए थे बिकॉज़ कबीर को रात को भूख लगाई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ दालचीनी की टी मीन्स सिनेमन टी। दालचीनी को ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीस के मैंने रखा हुआ है और ये टी मैं बनाती हूँ। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी है तो ये टी आप ले सकते हो, इट इज़ रियली नाइस। तो बस मैंने इसको पानी में पका के और रेडी कर दिया था। टू ऑल माई लवली लेडीज, आज है वुमेंस डे, तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का ब्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं ना तो अपने आप से 5 चीजें जरूर बोलिए। फर्स्ट थिंग आई एम स्ट्रांग, सेकेंड थिंग आई एम कैपेबल, थर्ड थिंग आई एम हेल्दी, फोर्थ थिंग आई कैन डू इट, एंड फिफ्थ थिंग आई एम इनफ। तो यू डोंट नीड एनीबडी फॉर योर सेल्फ, यू आर मोर देन इनफ फॉर योर सेल्फ। तो बी स्ट्रांग, बी हैप्पी। एंड इसी के साथ आज अपना ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और जब तक कि बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।